हेलो एंड वेलकम टू विधि गंगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जो पर्सन डिटेंशन में है उनके पास ये राइट है कि वो अपनी चॉइस के लॉयर को कंसल्ट कर सकते हैं। इस केस का नाम था शेफा उर रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, और इसमें कोर्ट ने कहा कि इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ अ पर्सन इन डिटेंशन टू कंसल्ट विद द लॉयर ऑफ हिज ऑन चॉइस एंड इट कैन नॉट बी डायल्यूटेड बाय द स्टेट। इस केस में जो पिटिशनर थे शेफा उर रहमान, जो कि प्रेसिडेंट हैं एलुमनी एसोसिएशन ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, जिनको पिछले साल दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसमें अरेस्ट किया गया था, कोर्ट ने उनको ये रिलीफ दी कि वो अपने चॉइस के लॉयर को कंसल्ट कर सकते हैं। इस केस में रहमान ने उस ऑर्डर को चैलेंज करा था जिसमें सेशन कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की उस अपील को अलाउ कर दिया था, जिसमें इन्वेस्टिगेशन के टाइम पीरियड को एक्सटेंड करने की प्रेयर की गई थी और इनकी डिटेंशन को 17 सितंबर 2020 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। इन्होंने ये क्लेम करा कि इनको कोई भी एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई ताकि वो उस एप्लीकेशन का विरोध कर सके जिसमें ये प्रेयर किया गया था कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाए। साथ ही इनको कोई भी लीगल असिस्टेंस नहीं दी गई थी। इन्होंने उस ऑर्डर को भी जो 14 अगस्त 2020 को पास करा था कोर्ट ने, जिसमें कोर्ट ने उनको पुलिस कस्टडी में रिमांड के लिए भेज दिया था, उसको भी इन्होंने चैलेंज करा और हाई कोर्ट से ये प्रेयर करा पुलिस कस्टडी में जो उनको भेजा गया 24 अगस्त के बाद उसको इलीगल डिक्लेयर किया जाए। अब बात कर लेते हैं कि इन पर चार्जेस क्या लगे थे। तो जो दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसमें एक FIR इनके नाम पे रजिस्टर हुई थी जिसमें इन पे चार्जेस लगे थे अंडर सेक्शन 147, 148, 149, 120B जो कॉन्स्पिरेसी का है। ये 6 अप्रैल को उन पे FIR रजिस्टर हुई थी। इसके बाद इन पे और भी धाराएं लगा दी गई, सेक्शन 302 के जो मर्डर का है, फिर सेडिशन के चार्जेस लगाए, साथ ही इन पे और भी सेक्शंस लगाए गए और इसके बाद इन पे सेक्शन 3 और 4 प्रिवेंशन ऑफ डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत लगाया गया और इसके साथ ही आर्म्स एक्ट के 2 सेक्शन, सेक्शन 25 और 27 भी लगा दिए गए। इसके बाद 19 अप्रैल को इन पे यूपा के तहत 4 सेक्शंस और लगाए गए, सेक्शन 3, सेक्शन 16, सेक्शन 17 और सेक्शन 18। फिर इनको 26 अप्रैल को अरेस्ट कर लिया गया और मजिस्ट्रेट के पास डिमांड की गई कि इनको पुलिस कस्टडी में दिया जाए 10 दिनों के लिए। फिर एक एप्लीकेशन दोबारा मूव की गई कोर्ट में और उसमें प्रेयर की गई कि इनकी 10 दिनों के लिए और कस्टडी एक्सटेंड कर दी जाए, जो कि कोर्ट ने अलाउ कर दिया था। इसके बाद इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया और फिर 24 जुलाई को एक एप्लीकेशन स्टेट ने फाइल करा जिसमें उन्होंने प्रेयर की कि जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। इसको कोर्ट ने पार्टली अलाउ कर दिया और कहा कि 24 अगस्त तक इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना है। रहमान ने इसी को चैलेंज करा कि उनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी कि वो इस एप्लीकेशन को अपोज कर सके, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि उनको अपने लॉयर को वर्चुअली कंसल्ट करने का जो उनका राइट था उसको भी रिपीटेडली डिनाई किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट में जो मेन सबमिशन रही उसमें उन्होंने सेशन कोर्ट के दोनों ऑर्डर्स को चैलेंज करा और कहा कि ये दोनों ऑर्डर्स प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की वायलेशन में पास किए गए हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल कहता है कि जिस भी अक्यूज को अरेस्ट किया गया है उसके पास ये राइट है कि वो अपने लॉयर को कंसल्ट कर सकता है, और जिस अक्यूज के अगेंस्ट कोई केस चलाया गया है तो उसको ये राइट है कि वो उसको फेयरली सुना जाएगा। इस केस में ये दोनों चीज़ें नहीं थी और इसी को चैलेंज किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो रीजंस दिए गए थे कोर्ट के द्वारा फॉर द एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये जो सेक्शन 43D UAPA में स्पेसिफिक रीजंस दिए गए हैं उसके साथ ये मैच नहीं करते। स्टेट की तरफ से ये आर्गुमेंट किया गया कि रहमान के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो उस एप्लीकेशन को अपोज करे जिसमें टाइम पीरियड एक्सटेंड करने के लिए कहा गया था। यदि ये मान भी ले कि इनके पास ये राइट है कि वो अपने एडवोकेट को कंसल्ट कर सकते हैं, फिर भी इस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि रहमान ने अब तक ऐसा कुछ भी शो नहीं करा कि उनके अगेंस्ट कोई प्रेजुडिस हुआ हो। कोर्ट ने उस स्टेटस रिपोर्ट को एनालाइज करा जो जेल सुप्रिटेंडेंट ने फाइल करा था और कोर्ट ने कहा कि यह गलत है और रहमान को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी कि वो अपने मर्जी के लॉयर को कंसल्ट कर सके। फिर कोर्ट ने कहा कि पिटिशनर के पास ये राइट है कि वो अपने मर्जी के
लॉयर को कंसल्ट कर सकता है, और इस फंडामेंटल राइट को स्टेट ने मना करा था, ये इस राइट का वायलेशन हुआ था। कोर्ट ने स्टेट के उस आर्ग्यूमेंट को भी नकार दिया जिसमें स्टेट ने कहा था कि यदि पिटिशनर को लॉयर दिया भी जाता तो भी उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, उसका कोई भी पर्पस सर्व नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि जो भी व्यक्ति डिटेंशन में है उसके पास ये राइट है कि वो अपने मर्जी के वकील को कंसल्ट कर सकता है, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को स्टेट डाइल्यूट नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। फाइनली कोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई एडवर्स ऑर्डर पास किया गया है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी राइट है उस अक्यूज्ड का कि उसको वो सारे फुल मटेरियल प्रोवाइड किए जाए टाइम पे, ताकि वो अपना डिफेंस प्रिपेयर कर सके। और इस केस में पिटिशनर के पास ये राइट था कि उसको एक एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो उस एप्लीकेशन को अपोज करे जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड के लिए फाइल की गई थी। फाइनली कोर्ट ने हेल्ड करा कि सेशन कोर्ट के वो दोनों ऑर्डर्स गलत थे, इरोनियस थे, इसलिए उन दोनों को सेट असाइड किया जाता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।